कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय मार्च 1988 में राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थापित किया गया। इस निदेशालय की मुख्य गतिविधियों में AICRP परियोजना के नेटवर्क से अंडे एवं मांस के लिए बेहतर उच्च क्षमता की कुक्कुट नस्लों का विकास करना और कुक्कुट प्रजनन एवं कुक्कुट बीज योजना के तहत ग्रामीण कुक्कुट जनन द्रव्य का प्रचार प्रसार करना है। प्राइमरी मैंडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट वाज टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग। सब्सिक्वेंटली mandate and the objectives of this institute has been increased. The primary thrust area of this institute at present is to develop improved germplasm of poultry, particularly for the rural and tribal area, with the supportive research on poultry nutrition, health, biotechnology and physiology. विभिन्न AICRP केंद्र हैं: केरल पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्नुती, आनंद कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कॉम्प्लेक्स अगरतला, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, असम कृषि विश्वविद्यालय गुवाहाटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उदयपुर, HKPU पालमपुर कुक्कुट बीज परियोजना केंद्र हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय पटना, WBU AFSU कोलकाता, CKVV दुर्ग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय सिक्किम केंद्र गंगटॉक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय मणिपुर केंद्र इम्फाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय नागालैंड केंद्र झरना पानी, TANUVAS होसूर, CCARI पणजी गोवा, CIARI पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, SKUAST श्रीनगर एवं IVRI मुक्तेश्वर। ये निदेशालय मुख्य रूप से विभिन्न केंद्रों की योजनाएं, निगरानी, समन्वय, निष्पादन और अनुसंधान कार्यों का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय कुक्कुट प्रजनन पोषण एवं कुक्कुट स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम, मुक्त क्षेत्र एवं गहन कुक्कुट पालन के लिए विकसित नस्लों पर कार्य करता है। निदेशालय के मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल हैं, जैसे कुक्कुट पालन हेतु AICRP का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण करना, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों की एवं अन्य वांछित वर्गों की आवश्यकताओं हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान द्वारा अनुवांशिकी एवं कुक्कुट प्रजनन, कुक्कुट पोषण, रोग नियंत्रण एवं कुक्कुट जनन द्रव्य में सुधार एवं संरक्षण करना। ये मुर्गियों को दिए से DPRO ने, इसलिए हमारा गांव वाले पूरा वो DPRO को धन्यवाद कह रहा है। हमको ICRC से 20 मुर्गा मिला है, इससे हमको बहुत इनकम मिलता है, वो हफ्ते में 10-15 अंडा मिलता है। सुविधाएं निदेशालय में कुक्कुट प्रजनन, पुनरुत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी एवं रोग निदान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रयोगशालाएं, अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों जैसे PCR मशीन, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, माइक्रोप्लेट युक्त स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑटो रेडियोग्राफी सुविधा, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेट्स, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, माइक्रोवेव फर्नेस इत्यादि सुविधाओं से युक्त हैं। संस्थान के प्रजनन फॉर्म में लगभग 10,000 वयस्क पक्षियों को पिंजरे में और 10,000 चूजों को ब्रूडर एवं ग्रोवर गृहों में रखने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त बैटरी सुविधाओं से युक्त पिंजरा गृह भी हैं, जिनमें
पोषण एवं स्वास्थ्य प्रयोगों का संचालन किया जाता है। इन सब के अलावा संस्थान में एक दाना प्रसंस्करण इकाई भी है, जिसकी क्षमता लगभग 80 MT है एवं हैचरी यूनिट में अंडा सेटर तथा हैचर्स भी उपलब्ध है, जिनकी क्षमता क्रमशः 27,000 एवं 18,000 अंडे हैं। मृत एवं बीमार कुक्कुटों को निपटाने हेतु एक पोस्टमार्टम एवं भस्मक कक्ष तथा इसके पास ही एक गहरा गड्ढा भी मौजूद है। अनुसंधानकर्ताओं को विषय से संबंधित सविवरण ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु संस्थान में एक नवीनतम डेटाबेस तथा सूचना पद्धतियों से युक्त एक आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। निदेशालय इस समय इन पर कार्य कर रहा है। गांवों एवं आदिवासी क्षेत्रों के पिछड़ों मुक्त क्षेत्रों हेतु उपयुक्त जनन द्रव्य का विकास, लेयर एवं ब्रॉयलरों में जीव प्रौद्योगिकी पहुंच से उत्पादन निष्पादन में बढ़ोतरी करना, रंगीन सिंथेटिक ब्रॉयलर जीवों का वांछित लक्षणों हेतु विकास एवं विशेष लक्षणों हेतु लेयर जीवों के प्योर लाइन का विकास। मेरे को दया कर कहती है और वेटनरी कॉलेज में से मुर्गा का लेके आया है और बहुत अच्छा छोटा बच्चा था और बड़ा हो गया, इसमें अंडा मिलता है इसलिए वह उसके अपन तो घर तो चलाता है। मैं बनराजा जो कॉक है उसको पालन करता हूँ 3-4 साल से। हम लोग कुल्लन यूनिवर्सिटी से हम लोग बच्चा लेके आता है। हम लोग बाजार में वो 1.5 किलो होने से हम लोग बाजार में उसको बेचने शुरू करता है। बाहरी निधि परियोजनाएं ब्रॉयलर कुक्कुटों के खनिजों एवं प्रतिरक्षिता सामर्थ्य की जैव उपयोगिता, व्यापारिक एवं ग्रामीण कुक्कुट पालन में प्रतिरक्षा में वृद्धि एवं उन्नत ऊष्म दबाव हेतु पोषणिक अधिक मिश्रण, दाना उद्योग के लिए उत्प्रेरक संघ का विकास, कुक्कुट दाने में लाइसोलैक्टिथिन एवं उसके मूल्य वर्धकों का चरित्र चित्रण, माइक्रोटॉक्सिन मानकों का उत्पादन, संयोजनाएं। ये निदेशालय CSIR, ICMR, DBT, SVVU जैसे कई अनुसंधान संस्थानों एवं हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निजी संस्थाएं कुक्कुट पालन पर परामर्श सेवाओं से लाभान्वित भी हो रही हैं। विकसित तकनीकियां। निदेशालय में कार्यरत समस्त अनुसंधान दल गहन एवं मुक्त क्षेत्र पालन हेतु विस्तृत रूप से स्वीकार्य योग्य कुछ नवीन तकनीकों के विकास कार्य से जुड़ा है, जिनसे ग्रामीण सुदूर आदिवासी प्रांतों में कुक्कुट पालन द्वारा अतिरिक्त आय स्रोत एवं संतुलित आहार प्राप्त हो सके। वन राजा दुई उपयोगी किस्म, ग्राम प्रिया भूरे रंग के अंडे वाली लेयर, कृषि ब्रो रंगीन ब्रॉयलर, श्री निधि बहु रंगीन दुई उपयोगी कुक्कुट। उपयुक्त चारों नस्लों को निदेशालय में विकसित किया गया। इन विकसित किस्मों को जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु एवं गुजरात से लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों तक के लोगों ने भलीभांति अपनाया है। इनके अतिरिक्त AICRP केंद्रों में व्यापारिक लेयर अतुल्या, कामरूप एवं दुई उपयोगी किस्म नर्मदा निधि का विकास किया गया। हम लोग प्राणी मत्स्य विज्ञान यूनिवर्सिटी से 100 बनराजा लेके आए थे, उसको पालन कर रहे, पालन पोषण कर रहे घर पे, और इससे पालन पोषण करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और इसको हम लोग बड़ा करके फिर मार्केट में देते हैं। उसके बहुत डिमांड भाव है मार्केट में, तो उससे अच्छा दाम भी मिलता है, जिससे हम लोग घर पे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में बहुत हेल्प होता है, मेरा फैमिली भी इससे चलता है, और उसका अंडा जो मिलता है वो अंडे से हम लोग घर पे बच्चे को खिलाता भी है। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2013 एंड आई स्टार्टेड विद अराउंड 400 एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट आई हैव अराउंड 700 प्लस इन माय फार्म। सो मेनली आई एम डूइंग इट फॉर एग प्रोडक्शन, सो आई एम गेटिंग at an average 400 to 450 eggs in a day, and I'm selling it at a wholesale rate of 220 per plate.
So roughly I'm getting around 35,000 to 40,000 profit in a month. So like by next year I'm planning to extend it even more. ब्रॉयलर एवं लेयर के प्रदर्शन पर बिना कोई प्रभाव दिखाए मकई जो कुक्कुट दाने के रूप में उपयोग हेतु महंगा शक्ति स्रोत आहार है जिसे कंगनी बाजरा या कवच रहित ज्वार के साथ प्रतिनी युक्त किया जा सकता है। इसी तरह से सोयाबीन दाने की जगह आंशिक रूप से सूरजमुखी केक ग्वार दाना बिनोला केक तिल केक या अल्पधारिता ग्लूकोसिनलेट सरसों के केक को प्रतिनी युक्त किया जा सकता है। पोषण के इन प्रयोगों से दानों यानी आहार पर व्यय प्रति टन पर 300 रुपए से 500 रुपए तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा ढांचे की गुणवत्ता में सुधार तथा गहन कुक्कुट पालन पद्धति से पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। The poultry sector in this country is growing very fast in the last 3 to 4 decades, and the layer sector is growing at the rate of 6 to 8% per year, and the broiler sector is growing at the rate of 10 to 12% per year, and there has been about 18 to 20 times growth in egg production in the last 5 decades, and 30 times growth in broiler meat production in the last 5 decades. राष्ट्र की सेवा में ये संस्थान आम जनता निजी क्षेत्र किसानों गैर सरकारी संगठनों प्रचार प्रसार संस्थाओं एवं समाज के अन्य हितधारकों को कुछ निम्न प्रकार की वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये मुर्गी राजेंद्र नगर पीडीपी से लाया, फॉर चिक्स 600 इसमें दिया हमको, फॉर मुर्गी लाइव 120 रुपीज से 160 रुपीज तक चलता, 50-50 प्रॉफिट आता सर। यह हम पंचस करके महीने में पंचस करके बच्चा लेता है, आप 1 किलो 400-600 वो जो वेट करके हमको हम छोड़ देता है 120-110 रुपया करके किलो। हाँ, दूर से मेरा घर पर पार्टी आता है, वो आके यहाँ से लेके चला जाता है, हम यहाँ करके कुछ लाभजनक होता है, इसलिए हम खुशी हैं। किसानों एवं अन्य उपयोगी संस्थाओं को चूजों एवं उर्वर अंडों की आपूर्ति समग्र देश भर में वनराजा एवं ग्राम प्रिया के लगभग 67 लाख चूजों की आपूर्ति की गई। कुक्कुट पालन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, पोल्ट्री फार्म कार्यों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, औषधियों के उत्पादन हेतु उपयुक्त भ्रूणीय अंडों की आपूर्ति, उपलब्धियां, निदेशालय द्वारा राष्ट्र को समर्पित सेवाओं के पहचान स्वरूप निदेशालय के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं, यथा सरदार पटेल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार वर्ष 2013, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद टीम रिसर्च पुरस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, पोल्ट्री उद्योग द्वारा CLFMA पुरस्कार। किसानों एवं समाज की आवश्यकताएं ही प्रेरणा का स्रोत हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने हेतु दिन रात कड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र की निरंतर बढ़ती जनसंख्या को आहार उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक और आवश्यक क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। उत्पादन गुणवत्ता एवं अंडों एवं मांस के मूल्य वर्धन हेतु व्यवहारिक प्रयास की आवश्यकता है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि वो दिन दूर नहीं जब ये राष्ट्र कुक्कुट उत्पादन एवं निर्यात में विश्व प्रमुख बनेगा।